हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रश्मिका मंदाना के साथ हुई एक बड़ी फ्रॉड के बारे में। तो आखिर किसने की रश्मिका के साथ फ्रॉड, चलिए जानते हैं। तो बात ऐसी है कि रश्मिका मंदाना हाल ही में धोखाधड़ी का शिकार हो गई। रिपोर्टर्स की माने तो रश्मिका के मैनेजर ने ही रश्मिका के साथ 80 लाख रुपए की धोखेधड़ी की। पिंक विला के रिपोर्टर्स के मुताबिक जब रश्मिका को इस धोखेधड़ी के बारे में पता चला तो उन्होंने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया, लेकिन रश्मिका ने अपने मैनेजर को तुरंत नौकरी से निकाल दिया। रश्मिका के कोई लीगल एक्शन न लेने का मेन रीजन ये है कि रश्मिका का ये मैनेजर काफी पुराना था और उनके साथ करियर की शुरुआत से ही जुड़ा हुआ था। लेकिन कहानी का जो ट्विस्ट है उसे बताने से पहले, अगर आप रश्मिका मंदाना के दीवाने हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो कहानी में ट्विस्ट ये है कि रश्मिका और उनके मैनेजर ने एक ऑफिशियल क्लेरिफिकेशन दिया है कि उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं है और मैनेजर के नौकरी से निकल जाने से जुड़ी सारी अफवाहों को नामंजूर किया। रश्मिका ने कहा कि हमारे बीच कोई नेगेटिविटी नहीं है, हमने अपने मर्जी से अलग होने का फैसला किया है। तो क्या इन सब बातों से रश्मिका अपने मैनेजर को दाग लगने से बचा रही है? रश्मिका के करियर से शुरुआत से ही जुड़े रहने की वजह से कहीं रश्मिका मैनेजर को क्लीन चिट तो नहीं दे रही? अगर ऐसी बात है तो रश्मिका मंदाना के दिलदारी का तो जितनी तारीफ करे उतनी कम होंगी। तो आपका इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अलविदा।